आज महत्वपूर्ण मंथन किया जा रहा है जयपुर के अंदर, और आपके जो देश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद है, प्रदेश की कोर टीम यहाँ मौजूद है। आगामी रणनीति को लेकर के क्या विचार मंथन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को बहुत गहराई से लेती है, और जब जनता की सेवा करनी होती है, देश के साधन गांव गरीब पिछड़ों तक पहुंचाना होता है, देश की प्रगति के लिए काम करना होता है, एक इस पूरे सिस्टम पूरा ढांचा जो राजस्थान में बिगड़ गया है, देश में पहले बिगड़ा हुआ था, देश में उसको सुधार दिया और लगातार सुधार चल रहा है। राजस्थान जो पिछड़ गया इसको वापस पटरी पर लाने के लिए जो जिम्मेदारी है उसको गंभीरता से निभानी है, और उसके लिए मंथन चिंतन स्ट्रैटेजी बनाना, जहां गलतियां हो रही है उसको किस तरह से दूर करा जाए, सब के ऊपर काम हो रहा है। अभी अरुण जी कह के गए कि 24 घंटे में 22 आपराधिक घटनाएं हुई हैं, संगीन अपराध हुए हैं, संगीन अपराध हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? जब जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हो पूरे प्रदेश की, वो प्रदेश का संरक्षण छोड़कर खुद का, खुद के परिवार का और गांधी परिवार का संरक्षण और विकास के काम जब करने लग जाते हैं, तो राजस्थान में यही होता है जो पिछले 24 घंटे में हुआ। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि कम से कम नहीं तो 20 से 21 दुष्कर्म की, गैंगरेप की, हत्याओं की घटनाएं आप सबके सामने आई हैं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से। ये राजस्थान को जो अलगाववाद का, तुष्टिकरण का और इस तरह से घिनौने अपराध का एक अड्डा जो बना दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री, और जो मैं कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नाम अशोक लेकिन अ हटा दो, शोक की सरकार राजस्थान के अंदर चला रहे हैं, गृह लूट सरकार जो चला रहे हैं, राजस्थान को बिल्कुल खड्डे में धकेल दिया। ये हालत हो रखी है राजस्थान के अंदर, इनके पुलिस कर्मी इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, कौन सा विधायक किससे बात कर रहा है, कौन सी पार्टी में वो छलांग लगाने वाला है, इसकी चिंता ज्यादा रहती है। इनके विधायक इनके काबू में नहीं है, अशोक गहलोत खुद इनके सेंट्रल जो लीडरशिप है उनके काबू में नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप के सामने जो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो उनको समझ नहीं है, लेकिन अब इंडिया का नाम लेकर किसी तरह से वापस एक छड़ी उन्हें पकड़ना चाहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। राठौर साहब, 5 से 6 घंटे बारिश हुई जयपुर में, जयपुर जलमग्न हो गया, पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, 2-2 नगर निगम बनाए गए, उसके बावजूद भी हालात जस के तस हैं, और गड्ढे इतने भरे हुए हैं कि लोग गिर करके और चोटिल हो रहे हैं, SMS हॉस्पिटल की बस्तियों में जल भराव की स्थिति, मकान भी। जयपुर के अंदर जो इन्होंने सत्ता पाने के लिए जो निगम के 2 टुकड़े करे, उसमें जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, काम किसी को करने नहीं दे रहे, अपने सत्ता बनाए रखने के लिए ये अलग अलग दाव पे चलते हैं, लेकिन जनता की सुध, जनता के विकास के लिए काम, जनता की भलाई के लिए काम, ये इनकी प्राथमिकता नहीं रहती। जैसे मैंने कल भी कहा था, इनका जो बचा कुचा जो समय है, यह जाती हुई सरकार है, ये जाती हुई सरकार खूब लूट मचाएगी, किसी को नहीं बख्शेगी, हम सबको हिफाजत खुद ही करनी है, लेकिन जहां पर भी आप देखते हैं कि इनके अधिकारी या इनके मंत्री, इनके विधायक कहीं गलत काम कर रहे हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप तुरंत भारतीय जनता पार्टी को ये खबर पहुंचाइए, क्योंकि हम इसका संज्ञान जरूर लेंगे और हर एक के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी।